मसनौ और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिमाचल में सिरमौर जिला के नवनियुक्त जिला प्रवक्ता और संगड़ा बीडीसी के पूर्व अध्यक्ष मेलाराम शर्मा नाहन पहुंचे। नाहन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें मेलाराम शर्मा ने बताया कि आपदा काल में प्रदेश समेत जिला सिरमौर में बहुत नुकसान हुआ है और खासकर जिला में ग्रामीण सड़क मार्ग खस्ता हाल में है, जिसके चलते किसानों के कई कृषि उत्पाद मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे। सरकार को इस दिशा में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कुछ नहीं कर पाई है। मेलाराम शर्मा ने बताया कि केंद्र की सरकार ने महिलाओं को राखी का तोहफा दिया और सिलेंडर के दामों में कमी की गई एवं उज्ज्वला योजना में और महिलाओं को लाने का कार्य किया। उधर प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जिसे अब 10 महीने होने वाले हैं, अपनी एक भी चुनावी गारंटी पूरा करने में नाकामयाब हुई है। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। हमारे केंद्र सरकार ने जो है अपनी बहनों के लिए एक रक्षाबंधन का तोहफा दिया है, जिसमें जो वो सिलेंडर पर जो है 200 रुपए घटाए और साथ में जो है जो दूसरे सिलेंडर थे आम, उसमें भी 400 रुपए का जो है वो कम किए हैं दाम, और साथ में जो है 70 लाख महिलाओं को और सिलेंडर देने की घोषणा जो है केंद्र सरकार ने की है। तो इस तरह की जो संवेदनशीलता जो है दिखाई जाए महिलाओं के प्रति, चाहे समाज के किसी और वर्ग के प्रति, तो वो सामने दिखता है। मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा ये भी कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं, सिर्फ कहने से नहीं होता है, व्यवस्था परिवर्तन होता है। मैं जब नौकरी में था, मुझे अभी तक याद है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो स्वयं अपने भाषण में कहा करते थे कि हम यहाँ से जब किसी समाज के लिए 1 रुपया भेजते हैं तो वहाँ तक जो है जिस बेनिफिशियरी को जिसको भेजा जाता है पैसा, वहाँ 20-25 पैसे पहुँचते हैं, बाकी 70-75-80 पैसे जो है रास्ते में गायब हो जाते हैं। कौन से तंत्र के माध्यम से कहाँ इतना भ्रष्टाचार था, और आज आपके सामने है, इसको व्यवस्था परिवर्तन किसको कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की कोई भी स्कीम है वो सीधी, चाहे आप किसान निधि ले लीजिए, तो किसान निधि के अगर 2,000 रुपए किसी किसान को जाने हैं तो सीधे उसके खाते में जाते हैं, उसमें 5-54 भी कम नहीं जाती है, पूरा का पूरा जो है उसके खाते में जाता है। इसे कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, ना कि इसको। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।